हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। आशा जी पर बेस्ड इस दूसरे वीडियो में मैं आपको आशा जी और आरडी बर्मन की इंटरेस्टिंग लव स्टोरी के बारे में बताने वाली हूं, और ये भी कि अब आशा जी और लता जी का इक्वेशन कैसा था। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि कैसे आशा भोसले अपने एक डोमेस्टिक वायलेंस वाली शादी से बाहर निकली और ओपी नैयर के साथ उन्होंने एक नया करियर बनाया जिसमें उनकी आवाज़, पहचान, सब कुछ लता मंगेशकर से बिल्कुल अलग था। फिर उन्होंने ओपी नैयर साहब का भी साथ छोड़ दिया, पर एज ए सिंगर उनकी अचीवमेंट्स बढ़ती ही जा रही थी। आशा भोसले अपनी बड़ी बहन लता जी की परछाई से बाहर निकलकर वेस्टर्न सॉन्ग और इंडियन पॉप म्यूजिक पर ज़्यादा फोकस कर रही थी। लता मंगेशकर का उनको ना सपोर्ट करना उनके लिए एक नई पहचान लेकर आया था। इस मामले में जब लता मंगेशकर से आशा भोसले के गाने के स्टाइल और सक्सेस के बारे में पूछा गया था तो लता जी ने कहा था कि उन्हें आशा जी पर बहुत गर्व है। उन्होंने कहा कि मेरे बाकी भाई बहनों में कहीं ना कहीं मेरी छाप है जिससे उनकी पर्सनालिटी मुझसे अलग नहीं हो पाई है, लेकिन आशा एक रिबेल की तरह आगे बढ़ी। उसने कभी मेरी परछाई का सहारा नहीं लिया, तभी तो वो अपनी अलग पहचान बना पाई। वो आगे कहती हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बड़े पेड़ के नीचे एक छोटा पौधा कभी पनप नहीं पाता, बल्कि वो खुले आसमान के नीचे ही ग्रो कर पाता है, तो आशा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वो कभी अपनी आवाज़ और खुद को नहीं ढूंढ पाती अगर वो मेरे साथ रहती। वो जिस तरह से कैबरे सॉन्ग वगैरह गा पाती है वो कभी मैं गा नहीं सकती। मेरी आवाज़ सॉफ्ट और रोमांटिक गाने के लिए सही है, पर आशा इस मामले में मुझसे भी आगे है। वो वर्सेटाइल सिंगर है। तो आप लता जी के स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं कि आशा भोसले और लता मंगेशकर के रिश्तों में सुधार हो रहा था और अब दोनों बहनें साथ में कई सारे गाने भी गा रही थी। आशा जी का सफ़र नई कामयाबी को छू रहा था। वो कई सारे एक्सपेरिमेंटल कंपोजर्स के लिए पहली पसंद बन गई थी, और उनके इस जर्नी के दौरान ही उन्हें एक ऐसा शख्स मिला जिसने उन्हें इंटरनेशनली पहचान दिलाई और उनके जीवन को भी प्यार से भर दिया। आशा जी एक दिन गाना रिकॉर्ड करने स्टूडियो गई हुई थी। वहाँ उनकी मुलाकात एक यंग लड़के से हुई जिसका नाम था आरडी बर्मन, यानी कि राहुल देव बर्मन, जिन्हें हम प्यार से पंचम दा भी कहते हैं। आरडी बर्मन के पिता भी एक म्यूजिक कंपोजर थे और वो स्टूडियो उन्हीं का था, इसलिए राहुल देव बर्मन वहाँ अक्सर आया जाया करते थे। आरडी बर्मन आशा भोसले से 6 साल छोटे थे। कॉलेज के लड़कों की तरह स्टाइलिश सनग्लासेस लगाए आरडी बर्मन ने जहां आशा जी का ध्यान खींचा था, वहीं आशा जी की खूबसूरती ने और उनकी आवाज़ ने आरडी बर्मन को उनका फ़ैन बना दिया था। वो आशा जी के आवाज़ के इतने बड़े फ़ैन थे कि उनसे पहली मुलाकात में ही उन्होंने ऑटोग्राफ मांग लिया था। आरडी बर्मन एक डिवोर्सी थे, लेकिन म्यूजिक में उनका एक अलग मुकाम था। आशा जी से मुलाकात होने के बाद वो कई सालों तक आशा जी को बिना किसी नाम के, यानी कि एक फ़ैन की तरह, फूल भेजते रहे। एक दिन जब उन्होंने उन्हें प्रपोज करने की थोड़ी हिम्मत जुटाई तो वो खुद फूल लेकर लिरिसिस्ट मजरूह सुल्तानपुरी के साथ आशा जी के दरवाजे पर उपस्थित हुए। उनके हाथों में फूलों का गुलदस्ता देख आशा जी ने सोचा कि यह फूल फिर उसी फैन ने भेजा होगा, इसलिए उन्होंने आरडी बर्मन को कहा कि यह फूल डस्टबिन में फेंकाए। उन्होंने आगे कहा कि पता नहीं कौन बेवकूफ़ यह फूल रोज भेज कर अपने पैसे और फूल मुझ पर बर्बाद कर रहा है। उनकी यह बात सुनकर आरडी बर्मन का मन रुआंसा हो उठा। फिर मजरू साहब ने बात संभालते हुए कहा कि वह बेवकूफ कोई और नहीं बल्कि मेरे साथ का यह शख्स है जो तुम्हें यह रोजेज रोज भेज रहा है। आशा जी को समझ आ गया था कि आरडी बर्मन उन्हें पसंद करते हैं, पर अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखकर उन्हें हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आरडी बर्मन के प्रपोजल को एक्सेप्ट करे। लेकिन प्यार के अलावा दोनों के बीच बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी। उनमें एक और कॉमन बात थी और वो था आरडी बर्मन का आशा जी की आवाज़ से प्यार होना और आशा जी का आरडी बर्मन के म्यूजिक सेंस से प्यार होना। इस प्यार ने आशा जी को झुका दिया और दोनों ने फाइनली 1980 में शादी कर ली। आरडी बर्मन और आशा जी ने एक साथ कई हिट्स दिए हैं, जैसे कि दुनिया में, लोगों को चुरा लिया है तुमने, पिया तू अब तो आजा, वगैरह वगैरह। आरडी बर्मन गाने को इम्प्रोवाइज करने में और नए इंस्ट्रूमेंट्स को ऐड करने और गाने को वेस्टर्न, लैटिन, अरेबिक टोन देने के लिए काफ़ी जाने जाते थे, और उनके इस कंपोजिशन में उनकी आवाज़ बनी आशा जी। दोनों हर वक्त कुछ नया सोचते, कुछ नया बनाते। एक शाम जब वो कोलकाता की हुगली नदी के पास बैठे थे तो वहाँ उन्होंने नाव चलाने वाले को गाते सुना और उससे उन्हें दो लफ्जों की है दिल की कहानी जैसे सुपरहिट गाने का आइडिया मिला। अपने जर्नी के दौरान आशा जी ने ना केवल खुद को ग्रूम किया बल्कि उन्होंने कई सारे इंटरनेशनल ब्रांड के साथ टाइप भी किए, जिसमें से सबसे बड़ा टाइप हुआ था उनका बॉय जॉर्ज और कोड रेड के साथ। आरडी बर्मन को आशा जी प्यार से बब्स बुलाती थी। उनकी ज़िंदगी की भागदौड़ आरडी बर्मन साहब और बच्चों के बीच थी। दरअसल आशा जी के बच्चे अलग पौदार रोड पर उनके बने हुए फ्लैट में रहते थे और वो अलग पंचम दा के साथ रहती थी।
एक अच्छी माँ और अच्छी पत्नी बनने की कोशिश में वो दोनों घरों में भागदौड़ करती रहती थी, ताकि दोनों घर में साफ सफाई और खाना बनाने के काम उनकी निगरानी में हो। उनकी इस हरकत के कारण एक बार आरडी बर्मन ने उन्हें उनके बर्थडे पर मजाक के तौर पर सिल्वर फॉइल में एक झाड़ू लपेटकर गिफ्ट कर दिया था। दोनों के बीच रेस्पेक्ट और प्यार तो था, पर आरडी बर्मन की कुछ बुरी आदतें भी थी जो आशा जी को परेशान कर रही थी। दरअसल म्यूजिक का दौर बदल रहा था और आरडी बर्मन उस नए दौर में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। पैसे की तंगी और फेलर ने उनको नशे और डिप्रेशन का आदि बना दिया। उनकी शराब और सिगरेट पीने की आदत लत बन गई। आरडी बर्मन की इस आदत ने आशा जी को आरडी बर्मन से अलग कर दिया और दोनों के बीच तलाक हो गया। हालांकि तलाक होने के बाद भी दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता बरकरार रहा और आशा जी अब भी बर्मन साहब की देखभाल कर रही थी। 1994 में आरडी बर्मन की बुरी आदतों ने उनकी जान ले ली। उन्हें 4 जनवरी को हार्ट अटैक आया और उस वक्त उन्हें अस्पताल ले जाने वाले भी आशा जी ही थी। आरडी बर्मन बच नहीं सके। आशा जी को अपने पति और अपने दोस्त को खोने का बहुत ही दुख था। आरडी बर्मन के मरने के बाद मीडिया ने आशा जी पर उनकी संपत्ति और घर को हथियाने का आरोप लगाया था। पर इन आरोपों के बीच एक बात जो सच्ची थी वो ये थी कि आरडी बर्मन की मौत के बाद भी आशा जी ने उनकी माँ की 14 सालों तक देखभाल की। आशा जी ने अपने पति को डेडिकेट करते हुए एक वीडियो सॉन्ग भी बनाया था जिसके शब्द थे, ओ मेरे सोनारे सोनारे सोना। आशा भोसले आज भी पंचम दा के खिलाफ कुछ नहीं सुन पाती हैं। हिमेश रेशमिया ने जब एक बार एक इंटरव्यू में कह दिया था कि पंचम दा भी नाक से गाना गाते थे, तो आशा जी ने उन्हें थप्पड़ मारने तक की बात कह दी थी। पंचम दा के जाने के बाद भी आशा जी का सफर नहीं रुका। वो पहली इंडियन सिंगर बनी जिन्हें ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। उन्होंने 20 दिनों में यूएसए के 13 शहरों में परफॉर्म किया था। 2011 में उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे अधिक गाना रिकॉर्ड करने के लिए दर्ज हुआ था। उन्होंने कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म किया और उनकी पॉपुलैरिटी इस हद तक थी कि कई सारे फॉरेन कंट्रीज के क्लबों में उनके गाने बजाए जाते थे। आशा जी एक स्किल्ड कुक भी हैं, इसलिए उनके नाम की यानी कि आशाज के नाम से कई देशों में उनके रेस्टोरेंट भी चलते हैं, जैसे कि दुबई, बहरीन, अबू धाबी, कतर, कुवैत, मैनचेस्टर। वहाँ पर उनके और पंचम दा के फेवरेट डिश परोसे जाते हैं और बैकग्राउंड में उनके क्रिएट किए गए गाने बजते हैं। आशा जी प्रोफेशनल लाइफ में लता जी से कहीं अधिक सक्सेसफुल रहीं, पर पर्सनल लाइफ उनकी अब भी दुखों से भरी हुई थी। पंचम दा की मौत के बाद आशा जी बच्चों के मामलों में भी अनलकी रहीं। साल 2012 में आशा जी की बेटी वर्षा भोसले ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं उसके 3 साल बाद ही 2015 में उनके बेटे हेमंत भी कैंसर से चल बसे। अब उनका छोटा बेटा आनंद बचा है जो उनकी देखभाल करता है और प्रोफेशनली भी उनका काम संभालता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।